2 is a systematic objective and goal of plant systematic. जिसमें हमने देखे क्या थे, नॉमन क्लेचर, प्लांट नॉमन क्लेचर एंड टैक्सोनॉमी, है ना। दोनों की इंट्रोडक्शन मैंने एक्सप्लेन की थी। और तो सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड गोल ऑफ प्लांट सिस्टम इज अ सिस्टमेटिक बॉटनी इन द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑल डिफरेंस विद अदर ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक बॉटनी इज अ साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग। क्या करते हैं इसमें, हम आइडेंटिफाई करते प्लांट को, नेमिंग देते, देन उसको क्लासिफाई करते, ऑल डिफरेंस विद अदर ऑर्गेनिजम्स। साइंस देर इज नो एग्रीमेंट और अ एम्पलॉजिकल बेसिस फॉर अ एटमोलॉजिकल बेसिस फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सिस्टमेटिक और अ टेक्सोनॉमी। ओके, सो द टर्म टेक्सोनॉमी इज डिराइव फ्रॉम टैक्सिस अरेंजमेंट। टैक्सिस मीन्स अ अरेंजमेंट एंड नॉमस मीन्स लॉ और अ रूल, दैट इज लॉफुल एग्रीमेंट और अ अरेंजमेंट और अ अरेंजमेंट बाय अ लॉ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एम ऑफ ऑब्जेक्टिव। एम ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्लांट प्ले अ की रोल इन सस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ अमंग द ह्यूज वराइटीज ऑफ प्लांट। इट इज इम्पॉसिबल टू पिन पॉइंट द स्पेसिफिक प्लांट ऑफ इंटरेस्ट अनलेस वी नोट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस विद द अदर प्लांट्स। इस एम ऑफ ऑब्जेक्टिव मैं तुमको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखे थे हमने, प्लांट टेक्सोनॉमी हैज अ फाइव ऑब्जेक्टिव्स। फाइव ऑब्जेक्टिव्स देखे थे हमने प्लांट टेक्सोनॉमी के, टू इन्वेंट्री वर्ल्ड फ्लोरा, है ना, टू प्रोवाइड अ मेथड एंड यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू प्रोड्यूस अ कोहेरेंट एंड यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन टू डिमॉन्स्ट्रेट द इवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशन ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी, टू प्रोवाइड अ सिंगल लैटिन इज अ साइंटिफिक नेम फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट इन द वर्ल्ड बोथ एक्सटिंक्ट एंड लिविंग। देन हमने तीन चीज़ें पढ़े थे, एक है क्लासिफिकेशन, वॉट इज क्लासिफिकेशन, वॉट इज आइडेंटिफिकेशन एंड वॉट इज नॉमेनक्लेचर। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट इन टू ग्रुप हैविंग अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस ग्रुप्स आर देन अरेंज इन टू अ सिस्टम। क्लासिफिकेशन क्या है, इज द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट्स। जो हम प्लांट्स को अरेंज करते किसमें, ग्रुप में, हैविंग अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जिसके कैरेक्टर्स कैसे होंगे, कॉमन होंगे। सो क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट इनटू ग्रुप हैविंग अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज ग्रुप आर देन अरेंज इनटू अ सिस्टम। यही ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स जो होंगे उसको हम क्या करते हैं, अरेंज इनटू अ सिस्टम इज अ क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज अ आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन इज अ रिकॉग्निशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स ऑफ द फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स और अ स्टेम, एंड एप्लीकेशन ऑफ अ नेम ऑफ प्लांट विद दोज पर्टिकुलर कैरेक्टर इज अ आइडेंटिफिकेशन। ओके, हम कोई भी सिंपल प्लांट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते, उसके रूट को देख के, है ना, फ्लावर स्टेम स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी देख के हम उसको आइडेंटिफाई करते। सो आइडेंटिफिकेशन इज द रिकॉग्निशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स ऑफ द फ्लावर, फ्रूट, लीफ और अ स्टेम, एंड एप्लीकेशन ऑफ द नेम ऑफ प्लांट विथ दोज पर्टिकुलर कैरेक्टर। ओके, देन नॉमन क्लेचर। नॉमन क्लेचर इज द नॉमन क्लेचर नेमिंग इज द टेक्सोनॉमी, नेमिंग करते हैं हम जिसमें, सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो क्या है वो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो ऐसे। ओके, नॉमन क्लेचर। सो नॉमन क्लेचर इज द एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्सोनॉमी कंसर्न विद द
orderly application of neem to taxa in accordance with International Code of Botanical Nomenclature, that is ICBN. Okay. Then plant nomenclature. Next point is the plant nomenclature. So the assignment of scientific name of plant is called nomenclature. Nomenclature means scientific name of plant. Name is one of the most important way of identifying an object. Name may be common, proper, abstract, or a collective. Then our choice of name for an individual is generally arbitrary. However, it imbibes a great influence of language, religion, culture, and tradition. Since due to wide application and influence on human affairs, the process naming requires as internationally aspects terminology and names so that our work may be meaningful and comprehensive one to all concerned. Then next point is a common name. Common name kisko bolte hai? और इस लोकल कॉमन नेम, नेम्स हाँ लोकल नेम्स जो हम लोग हमारी लैंग्वेज में यूज करते हैं वो कॉमन नेम होगा. सो प्लांट्स आर इन्यूमरेबल एंड ऑल द प्लांट्स डू नॉट हैव अ कॉमन नेम एंड दोज विच हैव अदर नेम आर मिसिंग. वन प्लांट में हैव अ डिफरेंट कॉमन नेम डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज, लैंग्वेज पे डिपेंड करता है वो. सो कॉमन नेम आर फ्रिक्वेंटली लोकल एंड नॉट वेल रिकॉर्डेड एंड कंफ्यूजन रिजल्ट बाय नॉट नोइंग exactly to what plant they apply. So many plants, because of their utility in one way or other, have a common or a vernacular or local name. Widely distributed plants have a large number of common names. Maine example bhi batai thi, yahan pe example hai pansy. So Viola tricolor, grown in most European and American gardens and has about 50 common English names. Okay, so this is the nomenclature and common name. Next point is a need for a scientific name or a need for a nomenclature. So scientific name formulated in Latin. Kisme formulate hai wo? Latin word language mein are preferred over a vernacular name or a common name since the latter pose a number of problems. Vernacular name are not available for all species known to man. है ना, vernacular name are not available, सबके लिए available नहीं होता, for all the species known to man. So vernacular name are restricted in their uses and are applicable in a single or a few language only. So common name usually do not provide information indicating family or generic relationship. कॉमन, सिर्फ कॉमन नेम से हमको प्लांट का सब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती. अगर हम साइंटिफिक नेम डालते हैं तो और ज़्यादा नॉलेज मिलती है ना, सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलेंगी. सो कॉमन नेम यूजुअली डू नॉट प्रोवाइड अ इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग फैमिलीज अ और अ जेनेरिक रिलेशनशिप. सो इसलिए क्या है, साइंटिफिक नेम ज़रूरी होता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज अ frequently especially widely distributed plant, many common name may existence for the same species in the same language in the same or a different localities.
frequently, especially, or a widely distributed plant, many common name may existence for the same species in the same language, in the same or a different localities. Okay, next point is a wild Latin. Wild Latin scientific name or a treated as a Latin regardless of their origin, description of a plant, or not written in classical Latin. The selection has several advantage over a modern language. Latin is a dead language, and as such, meaning and interpretation are not subjected to changes. Latin is a specific and exact in meaning. Latin kaisa hota hai? Specific hai aur exact in meaning hota hai. So grammatical sense of word is commonly Latin language employ the humus alphabet. Okay, next point is development of botanical code. Development of botanical code for several countries, the name of the plant appear as a polynomial. Development of botanical code for several countries, the name of plant appear as a polynomial. Long description says obtain difficult to remember. Long description says is kya hote obtain difficult to remember. So Caspar Bohen in 1623 introduced the concept of binomial nomenclature. Kisne introduce kiya? Caspar Bohen in 1623 introduced the concept of binomial nomenclature. So what is binomial nomenclature? Anyone knows? Two name system. Two name system. Okay. और किसने इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे? कैस्पर बोहेन. And who is the father of taxonomy? Carolus Linnaeus. So concept of binomial nomenclature. Binomial nomenclature means two term naming system, also called as a binomial nomenclature, naming system, or a binary nomenclature is a formal system of naming species of living things by giving each name composed of two parts, both of which use Latin grammatical forms. Okay, so the first name of genus, binomial nomenclature under which the name of the species consists of two parts, the first name of the genus to which it belong and second is a species. Scientific name हम देखते दो divide parts होते हैं ना, एक होता है genus name, दूसरा होता है species name. So the first name of the genus or to which it belong and the second specific epithets. Epithets means a characterizing word or a phrase occurring in the place of the name. Okay, epithet kya hota hai? Characterizing word hota hai or a phrase occurring in place of the name. So second jo word honga kya hai? Specific epithet means yahan pe example hai onion. Onion is the appropriately name hai. कॉमन नेम हम उसको क्या बोलते हैं, क्या प्याज जो होता है अनियन, इन दस एप्रोप्रिएटली नेम. और स्पेस जीनस स्पेसिस क्या है उसका? एलियम सेपा. ओके, नेक्स्ट इज अ प्रिंसिपल ऑफ आईसीबीएन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल
Nomenclature. Okay. The International Code of Botanical Nomenclature is based on the following principle. Botanical nomenclature is independent on zoological nomenclature. Point kya hai yahan pe? Botanical nomenclature is independent on a zoological nomenclature. Okay. The application of name of taxonomic group is determined by means of nomenclature type. Taxonomic group is determined by means of nomenclature type. Nomenclature of taxonomic group is based upon priority of publication. These taxonomic groups with a particular position and rank and only one correct name. इसमें rank होता है, okay? So these taxonomic group with a particular position है उसकी and rank and only one correct name. So scientific name of taxonomic group are treated as a Latin. The rule of nomenclature retroactive unless expressly limited. So name of taxa यहाँ पे rank दिया हुआ है और ending में क्या use कर रहे हैं? So rank and ending provide by the ICBN. कौन provide किया है वो? ICBN, International Code of Botanical Name. अभी हम फिलहाल सिर्फ नॉमेनक्लेचर पर गए, टैक्सोनॉमी पे गए नहीं है. ओके, सो रैंक में देखो, फर्स्ट इज अ किंगडम. क्लासिफिकेशन कैसा है टैक्सोनॉमी का? Name of taxa, rank and ending provided by the ICBN. Classify kaise? Kingdom, division, then subdivision, class, order, family, genus, species. Okay. So kingdom में ending क्या है? Bionta. Ending क्या use होती है kingdom में? Bionta. For example क्या है वहाँ पे? Chlorobionta. Next is a division. So ending is a डिवीजन में क्या यूज होता है हमेशा? फाइटा, माइकोटा, है ना? तो माइकोटा एग्जांपल इज अ यू माइकोटा एंड फाइटा मैग्नेलियो फाइटा. ओके, नेक्स्ट सब डिवीजन. सब डिवीजन इज अ फाइटीना और माइकोटीना. तो एग्जांपल इज अ टेरोफाइटीना, यू माइकोटीना. इन क्लास ऑप्सीडा, फाइसी. अलगी में हमेशा देखो सी ई ए ई यूज होता है एंडिंग में. सो ऑप्सीडा, फाइसी, माइसिटीज. और फंगी में क्या यूज होता है? सी ई टी ई एस. सो माइसिटीज. एग्जाम्पल क्या है? ऑप्सीडा, मैग्नोलियोप्सीडा. फाइसी में क्लोरोफाइसी. देन माइसिटीज, बैसिडियो माइसिटीज. फंगी है ये, बैसिडियो माइसिटीज. सुने होंगे ये एग्जाम्पल्स तुम लोग ने. नेक्स्ट इज ऑर्डर. ऑर्डर के लिए क्या यूज होता है? एल्स, ए एल ई एस. एंडिंग में हमेशा एल्स होता है. एग्जाम्पल इज अ रोजेल. फैमिली, फैमिलीज तो हमेशा क्या होते हैं? ए सी ई ई, ए सी ए ई होता है ना, रोजेसी. और एग्जाम्पल बोलो मेरे को फैमिली की. टेल मी सम एग्जाम्पल. लिलीशी फैमिली बोलो. लिलीशी ओके, लिली सी. देन रोजा साइने सी, मालवे सी, है ना, एस्टरेशी, एस्टरेसी, पामी. ये तो है हमको अभी फैमिलीज.
नेक्स्ट इज अ जीनस. जीनस में हमेशा यूज क्या होता है, यूएस, यूएम, ईज, ए, ऑन, जैसे पायरस, एलियम, आरबीज, रोजा, पॉलीपोगोन. ओके, नेक्स्ट इज अ स्पेसीज. स्पेसीज में हमेशा क्या यूज होता है, रोजा, कैनिना. तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, कस्कोटा. ओके, तो यहां तक तो सिर्फ नॉमनक्लेचर हुआ है. आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चंस. ओके, आंसर देना है. अगर नॉमनक्लेचर समझाऊंगा तो व्हाई साइंटिफिक नेम आर प्रीफर ओवर अ कॉमन नेम. मैं एक्सप्लेन क्यों ना ये टॉपिक नॉमनक्लेचर, बिकॉज लोकल नेम्स दे आर टू मेनी एंड साइंटिफिक नेम is only one, universal. Universal होता है, scientific name universal होता है, common name सिर्फ हम locally use करते. तो scientific name are preferred over a common name because of a particular organism known differently all over the world, है ना? To give particular name so that it can be known by a particular name all over the world. साइंटिफिक नेम से हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. इंफॉर्मेशन अबाउट किस बारे में, अबाउट ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टर्स, ऑर्गेनिज्म, जीनस, फैमिली, क्लास, स्पेसिस, हमको ये सब पता चलता है बाय द साइंटिफिक नेम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज अ साइंटिफिक नेम रिटन. First How is the name of genus and the second is species. Or in Latin. Question. Yes. Answer सबने करना है. और कोई? How is the scientific name written? No one? Okay, so your answer is correct. The binomial system of nomenclature is structured so that the scientific name of the plant consists of two names. Two names, you know? The genus or a generic name and the species epithet or a species name, genus or a species name. The genus name is always underlined or italicized. कैसे वो लिखते हैं, हम underline करते हैं हमेशा genus और species के name को underline करते हैं या italic form में लिखते हैं ना. The first letter of the genus name is always capitalized. और जो first letter होगा genus का वो कैसे होना चाहिए, capitalized होना चाहिए. Okay? समझा अभी? यस मैम. ओके, अगर तुम पेपर में अंडरलाइन नहीं करते तो वहां पे तुम्हारा मार्क्स कट होता है. ओके, ध्यान में रखो ये बात. तो हमेशा अंडरलाइन करना है, कैपिटलाइज फॉर्म में लिखना है फर्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज अ व्हाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक नेम. Why do scientists use scientific name? Okay, so scientific name are used to describe various species of organisms. Kyun use kar rahe? Scientific name are used to describe various species of organism in a way that is universal so that scientists around the globe can readily identify the name, identify the animals
name of animal. This is a called binomial nomenclature, and many of the scientific names are derived from a Latin name of the organisms. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए ये वाला. तो व्हाट आर द 8 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द 8 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन किए हैं, फैमिली का क्लासिफिकेशन करते हैं, आवाज ब्रेक हो रही है, एक्चुअली मुझे कुछ समझ में आया है. किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. राइट, दीज आर द 8 लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन नेम्स, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन नेम. बिकॉज द लोकल नेम्स और कॉमन नेम्स दे आर नॉट यूनिवर्सल. यस, वही आंसर हो सकता है जो फर्स्ट क्वेश्चन में की थी. सो द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन नोमेनक्लेचर इज दैट वी कैन नॉट डिड्यूस द फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स नेम यूजिंग कॉमन नेम. ओके, इज फाइन, बट द साइंटिफिक नेम इज मोर यूजफुल, क्योंकि साइंटिफिक नेम से हम उसके सारे फीचर्स मालूम कर सकते हैं, हमको सारे फीचर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है बाय साइंटिफिक नेम. ओके, तो आई थिंक, होप यू अंडरस्टैंड वेल व्हाट इज नोमेनक्लेचर. We should stop here.